अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व की थी जो कि कंट्रोल वॉल्यूम विद मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी से रिलेटेड थी। आज हम मोमेंटम इक्वेशन फॉर कंट्रोल वॉल्यूम विद रेक्टिलिनियर एक्सीलरेशन को डिस्कस करें। तो हम स्टार्ट करते हैं मोमेंटम इक्वेशन फॉर कंट्रोल वॉल्यूम विद रेक्टिलिनियर एक्सेलरेशन। फॉर एन इनर्शियल कंट्रोल वॉल्यूम द अप्रोप्रिएट फॉर्मुलेशन फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ इज गिवन बाय, ये अभी हमने जो ड्राइव किया था कि जब हम इनर्शियल कंट्रोल वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं या यूं कहते हैं कि वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन जीरो है, नो एक्सेलरेशन रिलेटिव टू स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो तब उसकी जो इक्वेशन है मोमेंटम इक्वेशन वो इस फॉर्म की होगी। उसमें सबस्क्रिप्ट एक्स वाई जी साथ में जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए साथ में जो है वो ऐड हो जाता है। नॉट ऑल द कंट्रोल वॉल्यूम्स आर इनर्शियल, और इसी तरीके से तमाम कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो इनर्शियल भी नहीं होते, जैसे कि रॉकेट मस्ट एक्सेलरेट इफ इट्स टू गेट ऑफ द ग्राउंड। जाहिर है रॉकेट मोशन, रॉकेट प्रोपल्शन है जो उसके अंदर अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो कभी भी वो इस बैरियर को, यूं कह लें कि आज से एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अगर उसने ग्राउंड से दूर जाना है तो उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। सो इफ वी आर इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग कंट्रोल वॉल्यूम दैट मे एक्सेलरेट to an inertial coordinate, it's logical to ask whether equation 4.26 can be used for an accelerating control volume. Inertial control volume के लिए था तो क्या ये accelerating के लिए भी use हो सकेगी? तो हम सबसे पहले कुछ इसके बात करते हैं acceleration के point of view से कि system derivatives जो हैं हमने जो relate किए थे control volume formulation के साथ, जिसमें अगर याद हो तो dN over dt वाली जो equation थी उससे द फ्लो फील्ड वी वॉज स्पेसिफाइड रिलेटिव टू द कंट्रोल वॉल्यूम्स कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी, तो वेलोसिटी को एक्स वाई जी के कोऑर्डिनेट रखा गया था। नो रिस्ट्रिक्शन वॉज प्लेस ऑन द मोशन ऑफ एक्स वाई जी रेफरेंस फ्रेम, और उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। कॉन्सिक्वेंटली दिस इज वैलिड एट एनी इंस्टेंट ऑफ आर एन आर्बिट्रेरी मोशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी, प्रोवाइडेड दैट ऑल वेलोसिटीज इन द इक्वेशन आर मेजर्ड रिलेटिव टू द कंट्रोल वॉल्यूम। और इसी तरीके से जो सेकेंड इक्वेशन थी जो एफ इजिकल टू डी पी ओवर डी टी थी, जिसमें पी ये था, तो हम क्या करेंगे, अगर इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस को कैपिटल एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट से डिनोट करेंगे तो एफ इजिकल टू डी पी कैपिटल एक्स वाई जी ओवर डी टी, लेकिन जो टाइम डेरिवेटिव पी कैपिटल एक्स वाई जी और स्मॉल एक्स वाई जी, ये दोनों ही जो हैं सेम नहीं है क्योंकि आर नॉट इक्वल व्हेन द कंट्रोल वॉल्यूम रेफरेंस फ्रेम एक्स वाई जी इज एक्सेलरेटिंग रिलेटिव टू द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि यूं कह लें कि अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो फिर कैपिटल एक्स वाई जी और स्मॉल एक्स वाई जी दोनों का मीनिंग सेम नहीं होंगे। टू डेवलप द मोमेंटम इक्वेशन फॉर एन लीनियरली एक्सेलरेटिंग कंट्रोल वॉल्यूम इट इज नेसेसरी टू रिलेट, तो हम क्या करते हैं फिर पी कैपिटल एक्स वाई जी और स्मॉल एक्स वाई जी जो कि एक्सेलरेटिंग के केस में अब बराबर नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के दरमियान में कोरिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम ये प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं कि टू डेवलप द मोमेंटम इक्वेशन फॉर लीनियर एक्सेलरेटिंग कंट्रोल वाले एसएन के दरमियान रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, और वो क्या होगा,
ये होगा जी, एफ इज इक्वल टू डी पी एक्स वाई जी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, और ये जो पी कैपिटल एक्स वाई जी है उसको वी कैपिटल एक्स वाई जी डी एम से डिनोट कर दिया। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि इसके अंदर जो विलासिटी है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल कंट्रोल वॉल्यूम, तो और कंट्रोल वॉल्यूम कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से इनर्शियल कंट्रोल वॉल्यूम कोऑर्डिनेट की जो विलासिटीज हैं दे आर इक्वल टू वी कैपिटल एक्स वाई जी इज इक्वल टू वी स्मॉल एक्स वाई जी प्लस वी आर एफ। ये क्या है हमारे पास, आर एफ इज द वेलोसिटी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी विद रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट स्टेशनरी कोऑर्डिनेट्स, कि हमारे पास इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है कि एक्स वाई जी में से वी स्मॉल एक्स वाई जी को जब माइनस कर दें तो इनका जो आपसी का डिफरेंस है दैट इज वी आर एफ। तो अब जाहिर है जब इनका डेरिवेटिव लूंगा डी वी कैपिटल एक्स वाई जी वो ए कैपिटल एक्स वाई जी आ जाएगा, ये हमारे पास ये स्मॉल एक्स वाई जी और ये आर एफ, ये क्या आ गया है कैपिटल एक्स वाई जी वाला रेक्टिलिनियर एक्सेलरेशन आ गया है रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्मॉल एक्स वाई जी है रिलेटिव टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या यूं कह लें कि रिलेटिव टू कंट्रोल वॉल्यूम, और ए आर एफ जो है ये रेक्टिलिनियर एक्सेलरेशन है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या यूं कह लें कि इनका आपस का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है ये पहले का एक्सेलरेशन इनर्शियल का है, ये हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल वॉल्यूम, और दूसरा जो है वो हमारे पास दोनों का आपस के दरमियान हिसाब से जो है रेक्टिलिनियर एक्सेलरेशन है, नॉन इनर्शियल का इनर्शियल के हिसाब से। सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम तो हमारे पास फोर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए है, तो अब एक्सेलरेशन के हमारे पास जो कंपोनेंट हैं वो टू डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गए हैं, तो ए आर एफ और डी वी कैपिटल एक्स वाई जी ओवर डी टी, ये वाली वैल्यू लिखे डी वी और इसको ए आर एफ का नाम दे दिया, और वहाँ पर पी किसके कुल है, पी की जगह पे वी स्मॉल एक्स वाई जी यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं क्योंकि डी पी ओवर डी टी रेट इक्वेशन बच गया। अब फर्क ये पड़ गया है कि एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी था ना, तो ये ए आर एफ वाली टर्म जो है ये एक्स्ट्रा साथ में क्या हो गई है इन्वॉल्व हो गई है, तो इसका जो फाइनली रिजल्ट्स जो जो हम नीचे फाइंड आउट करते जाएंगे, ये देखें डी पी ओवर डी टी उसी तरीके से एन की जगह पे पी पुट करके और वी पुट करके ये सारी वही चीज आ गई है, लेकिन ये साथ में क्या आ गई है एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई है, वरना बाकी तमाम की तमाम टर्म्स स्मॉल एक्स वाई जी के लिए वही हैं जो आप लोगों ने पहले ड्राइव की हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसको एक मिनट के लिए बुक को ओपन करें और इस इक्वेशन को प्रीवियस इक्वेशन से जो मोमेंटम इक्वेशन हमने इनर्शियल कंट्रोल वॉल्यूम के लिए ली थी उसके साथ इसको कंपेयर करके आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम वही चीज़ है जो इससे पहले हम ड्राइव कर चुके हैं। Comparing this motion momentum equation for a control volume with rectilinear acceleration to that for a non-accelerating control volume, we see that only difference is the presence of one additional term. ये वही बात आ गई कि one additional term है. When the control volume is not accelerating, अगर accelerating ना हो तो ये relative acceleration जो है वो zero हो जाएगा, ये वाली term zero हो जाएगी, ए आर एफ जीरो हो जाएगा, और ये वही इक्वेशन बन जाएगी जो 4.26 थी, या यूं कह लें कि जो हमारी पुरानी मोमेंटम इक्वेशन थी वही वाली बन जाएगी। प्रिकॉशंस कंसर्निंग द यूज ऑफ 4.26 पुरानी इक्वेशन को आल्सो अप्लाई टू यूज 4.33, तो कह रहा है कि बिल्कुल वही जो रिस्ट्रिक्शंस वहां पे हम ले रहे होते थे वही वाले रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो यहाँ पर भी ले रहे होंगे, और उसी तरीके से हम उसके जो लेबलिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ, लेकिन अब ये है कि यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएंगे, यानी कि एक कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा और दूसरा जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर होगा, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कैपिटल एक्स वाई जी और कंट्रोल वॉल्यूम का जो है वो स्मॉल एक्स वाई जी है। 4.33 के अंदर एफ एस जो है वो तमाम सर्फिस फोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और सिंस द मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम मे वेरी विद टाइम, मास जो है विद इन कंट्रोल वॉल्यूम चेंज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द बोथ रिमेनिंग टर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन
मे बी फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब जो लेफ्ट साइड पे है वो फंक्शन ऑफ टाइम हो सकते हैं। फर्दर मोर द एक्सलरेशन ए आर एफ ऑफ द रेफरेंस फ्रेम रिलेटिव टू द इनर्शियल फ्रेम विल इन जनरल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो भी जो है वो ए आर एफ जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है। ऑल वेलोसिटीज इन इक्वेशन 4.33 आर मेजर्ड रिलेटिव टू द कंट्रोल वॉल्यूम द मोमेंटम, तो उसका जो मोमेंटम टर्म होगी वो मोमेंटम टर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मोमेंटम टर्म को वी मतलब वी डी एक्स वी एक्स वाई रो वी एक्स वाई जी डी ए, ये वही है मोमेंटम टर्म्स ही हमारे पास, थ्रू एन एलिमेंट ऑफ द कंट्रोल सरफेस एरिया डी ए इज अ वेक्टर। अच्छा यहाँ पे उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशंस उसी तरीके से जो कंपोनेंट फॉर्म में आएगी हमारे पास, तो बाकी सारा कुछ वही आएगा, फोर्स में फोर्स को सरफेस और बॉडी फोर्स के टाइप में लिख दिया। अगर आप इसको अब दोबारा से उसी के साथ इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो रिलेटिव हमारे पास टर्म्स थे एक्सलरेशन वाली, ये वाले टर्म्स जो हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, वरना तमाम का तमाम रिलेशन वही है जो इससे पहले हमने फाइंड आउट किया था। ये उसकी फिर फर्दर एक एप्लीकेशन आ गई है, एक एग्जांपल आ गई है, इसको अभी हम देखते हैं। अगेन ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि हमारे पास जेट फ्लो है किसी तरीके से कन्वर्जिंग चैनल में से बड़ी तेज़ी के साथ फ्लूड फ्लो करता हुआ आ रहा है और वेन के साथ आके स्ट्राइक करता है, उसी तरीके का कंट्रोल वॉल्यूम लिया है, ठीक है। और ये वेन जो है ये दैट इज़ अटैच टू अ कैरेट कार्ट के साथ जो है वो क्या है अटैच्ड है, द कार्ट एंड द वेन ऑफ मास एम, इसकी जो मास है दैट इज 75 kg। रोल ओवर अ लेवल ट्रैक फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस मे बी निगलेक्टेड, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस जो है वो निगलेक्ट की गई, मतलब ये फोर्सेस जो हैं ये हमने यहाँ पर यूज नहीं करनी। द वेन रिसीव ए जेट ऑफ वाटर विच लीव्स अ स्टेशनरी नोजल Horizontally at V is equal to 35 meter per second, इस स्पीड से उसको वो लीव कर रहा है। The nozzle exit area is A, इसका जो एग्जिट एरिया है वो हमारे पास A है, ये हमारे पास इसकी स्पीड ये है हमारे पास। Determine the velocity of the carrot as a cart as a function of time and plot the result. ओके जी, ये हमने यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इस कार्ट की, यू कैपिटल यू फाइंड आउट करना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मास जो है कार्ट का दिया हुआ है, ठीक है, और ये स्केच की गई है, तो कंट्रोल वॉल्यूम इसके आउटसाइड पे ले लेते हैं। ये जो टेढ़ा लेने का या इंक्लाइंड लेने का रीज़न ये है कि यहाँ से जो वाटर जेट आ रहा है वो यहाँ से ट्रैवल करके यूँ ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया 1 और 2 बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रीवियस वन में था, और ये भी वो सेम इंक्लिनेशन एंगल पर जो है वो मौजूद है। तो उसी तरीके से हमने जो इक्वेशन लिखनी है, लेकिन अब इसके अंदर चूंकि रिलेटिव एक्सलरेशन का जिक्र आएगा तो वो टर्म हमने ऐड की हुई है इसके अंदर, सरफेस फोर्सेस बॉडी फोर्सेस जो जो हैं एक्स डायरेक्शन के अंदर जीरो हैं निगलेक्ट करने के बाद स्टडी लेने के बाद, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम ज़ीरो है तो वो ले लिया, और स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम इज़ नॉट स्लोड बाई फ्रिक्शन ऑन द वेन, ये हमने एयर रेजिस्टेंस है या बाकी रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया है, तो वी एक्स वाई जी वन और जी टू जो है हमारे पास क्या होंगे सेम होंगे, एरियाज दोनों के सेम ले लिए। देन द ड्रॉपिंग सबस्क्रिप्ट आर एफ एंड एक्स वाई जी क्या होगा हमारे पास, जो एक्सलरेशन है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो तमाम टर्म्स ये आ जाएंगे मेरे पास, ये बिल्कुल उसी सेम प्रोसीजर यूज़ किया है वेलोसिटीज के लिए भी, रिलेटिव वेलोसिटीज का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, सिर्फ ये एक्सलरेशन टर्म अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। लेफ्ट साइड की जो टर्म है ये वाली जो टर्म थी हमारे पास जो कि एक्स्ट्रा आई हुई है, इस टर्म की जो हम बात कर रहे हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या किया है, एक्सलरेशन मल्टीप्लाई बाय रो डी वी, ये मास है, मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम है, तो फिर इसको एम से डिनोट कर दिया है ए, और ए इज इक्वल टू डी यू ओवर डी टी, तो इस सारे की जगह पे ये आंसर आ गया है
जो ऊपर मैंने हाईलाइट किया था उसकी जगह पे ये आंसर आ गया फाइनली, और ये वही चीज़ है जो ऊपर यहाँ पे लिखी है, ये वाली साइड एज इट इज आ गई है यहाँ पे, ये वही आ गई ऊपर से, और इसकी जगह पे इस शेडेड रीजन की जगह पे ये वैल्यू एम डी यू ओवर डी टी आ गई। ओके फिर हमने क्या किया है, वी माइनस यू स्केयर कॉमन ले लिया है, यहाँ से जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो आ गई हैं, सेपरेबल वेरिएबल वाला प्रोसीजर यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन यहाँ पे की है, तो वन माइनस कॉस थीटा ओवर एम रो ए, इस सारे का नाम बी रख लिया हमने, इस सारे का नाम बी रख लिया ताकि कोई हमारे पास ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। तो फिर इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, इधर भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे यू जीरो से वेलोसिटी यू तक है और टाइम जो है वो जीरो टू टी है, तो इस सारे को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर बी टी बन गया और इधर जो है वो इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसको इंटीग्रेट किया हुआ है वी माइनस यू स्केयर को, तो यू की जगह पे वी माइनस डी यू की जगह पे माइनस डी ऑफ वी माइनस यू। अच्छा ये जो चीज़ आई जब इसको इंटीग्रेट करवाया हमने, वी चूँकि कांस्टेंट है ना वो ऐड किया जा सकता है, डी यू की जगह पे डी वी माइनस यू भी लिख दिया उसने, सो दैट के सेम वेरिएबल के अलॉन्ग जब इंटीग्रेट करूँगा तो फिर उसको माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे वन ओवर एक्स उसकी इंटीग्रेशन आ गए। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यू ओवर वी इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू बी टी, यू ओवर वी की वैल्यू आ गई वी बी टी ओवर वन प्लस वी बी टी। अब b की जगह पे अच्छा यहाँ से फिर फर्दर इसको किया है कि इवेल्यूएटिंग वी बी गिव्स, वी बी की जो वैल्यू फाइंड आउट की b ये था ना सारे का सारा, तो वी बी वी से मल्टीप्लाई कराया और फिर थीटा की जगह पे डेंसिटी की जगह पे एरिया की जगह पे और मास की जगह पे तमाम वैल्यू सब्सिट्यूट की, ये वी बी की वैल्यू आ गई। वी बी की वैल्यू वहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, ये जो ये वी बी वो वाला लिया है जो बी हमने पहले डिसाइड किया हुआ था, ये वाला इसमें सिर्फ वी से मल्टीप्लाई किया और वी बी की वैल्यू अलहदा निकाल ली, आप इसको वहीं पर भी निकाल सकते थे, इसको अलहदा भी निकाल सकते हैं साइड पर, तो वी ओवर यू की कैपिटल जो वैल्यू है ये आ गए। तो ये हमारे पास जो है उसकी लास्ट की जो क्रॉस्पॉन्डिंग वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम फंक्शन जो है हमारे पास आ गई है, और फिर इसका टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ग्राफ ड्रा किया है, तो वो ग्राफ इस टाइप का हमारे पास बना है। ओके जी, ये जो चीज़ आई है इसको साथ पे देखें, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है फिर कि ये हमारे पास क्या बता रहा है, दिस इज इंटरैक्टिव, इट अलाउज वन टू सी दैट द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेंसिटी एरिया मास थीटा यू ओवर वी against time t and also to determine the time taken for the car to reach for example 90% of the jet speed, ke ye takriban jet speed ke kareeb pahunch gaya hai kitne time ke baad 20 second ke baad ya 15 second ke baad, to wo time kitna chahiye hoga ke wo 95% ke jo hai wo jet speed ke kareeb iski jo hai wo car ki speed pahunch jaye। acha ji, next hamare paas ek aur badi hi interactive example hai, नेक्स्ट हम जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, और उसके बाद जो मोमेंटम इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है या जो मोमेंटम इक्वेशन हमारी उसका आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन जो न्यू फर्दर एक आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा।